योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं आज ओम प्रकाश राजभर के घर का घेराव करते हुए नजर आए। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करा था। आप लोग लगातार मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव कर रहे हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर के घर का घेराव कर रहे हैं, क्या नाराजगी, क्या मांग है? हमारी मांग है कि 6800 की लिस्ट जो 5 जनवरी 2022 को आई थी उस पर हम लोगों को नियुक्ति दे दिया जाए। बस हम लोग अपनी नियुक्ति की मांग को लेके प्रत्येक मंत्री और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तक अपनी बात को पहुँचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही है। आज उसको उसी चीज को लेके ओम प्रकाश जी से बात हुई है, आज समीक्षा बैठक है, इन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आज हम जा रहे हैं आप लोगों का पत्र लेकर और आप लोगों की बात हम मुख्यमंत्री तक रखेंगे। महिलाएं 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन में शामिल है, उनसे बात करेंगे। आज आप लोग ओम प्रकाश राजभर के घर का घेराव करने आई थी, बात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ निकल के सामने? हाँ, उन्होंने कहा है कि उनकी आज मीटिंग है सीएम से, उनका जो बिहेवियर था हम लोग के लिए बहुत सकारात्मक, उन्होंने पहले भी हमारा मुद्दा उठाया है तो हमें इसलिए उनसे काफी उम्मीद है। आज वो जाके हमारी बात सीएम साहब से रखेंगे और फिर शायद हमारे पक्ष में कुछ आएगा। एक्चुअली हम थक गए हैं, हर दरवाजा खटखटा लिया हमने, आश्वासन पे घर पे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं, कोई बीमार है, कोई कुछ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ धरने में, पढ़ लिख के हम यहाँ धरना दे रहे हैं। इसलिए हमने थोड़ा BED BTC किया था, तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी इस पीड़ा का, मानसिक पीड़ा का जल्द से जल्द अंत करें और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करें। कहाँ से आई हैं? मैं एटा से आई हूँ। कब से आप लखनऊ में? सर मुझे हो गए अभी तो 15 दिन हो गए यहाँ रुकते रुकते। आप लखनऊ में हैं, इसलिए लखनऊ में हैं कि आपकी जो जायज मांगे हैं वो पूरी। जी जी जी। आप कहाँ से हैं, क्या नाम? कासगंज से। मेरा नाम ममता है, मैं कासगंज से हूँ। अभी आप जब मुलाकात हुई साथ में थी आप? जी जी, साथ में। लगता है क्या उम्मीद है? उम्मीद तो उन्होंने कहा है तो हम मान सकते हैं कि वो हमारी बात रखेंगे सीएम साहब के सामने। शीतकालीन सत्र से पहले देखे तमाम जो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी है वो ओम प्रकाश राजभर से इसलिए मिले कि उनको उम्मीद है कि उनकी बात जो है मुख्यमंत्री तक ओम प्रकाश राजभर पहुंचाएंगे। और ये अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कहां से आए हैं। और उसके पहले हम आपको दिखा दें, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये विधायक निवास है, ओम प्रकाश राजभर का घर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस भी तैनात है, पूरी फोर्स यहाँ पे तैनात है। डिटेन करने के लिए बसेस भी आ चुकी हैं और पुलिस पूरी मुस्तैदी से तैनात है कि ये लोग कहीं बाहर ना निकल जाएं। बगल में ही मुख्यमंत्री आवास है, इस वजह से ये लोग पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन श्याम खान के साथ आकिब मिराज खान लखनऊ।